शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष एवं समाजसेवी थानेश्वर महावर के खिलाफ राजनीतिक दबाव एवं षड्यंत्र के चलते एक तरफा कार्रवाई करते हुए झूठा प्रकरण दर्ज करने के विरोध में ज्ञापन सौंपा। शिवसेना प्रदेश प्रवक्ता पंडित कन्हैया तिवारी के नेतृत्व में शिव सैनिकों द्वारा 20 अप्रैल को रामपुर में घटित घटना पर निष्पक्ष कार्रवाई हेतु जबलपुर SP के नाम एक ज्ञापन गोरखपुर नगर पुलिस अधीक्षक आलोक शर्मा को सौंपा गया, जिसमें बताया कि शिवसेना मध्य प्रदेश अध्यक्ष थानेश्वर महावर के विरुद्ध राजनीतिक दबाव एवं षड्यंत्र के चलते उन पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि वास्तविक घटनाक्रम यह है कि रामपुर में उनके निवास स्थान के पास किसी विषय पर स्थानीय दो पक्ष के लोगों में विवाद हो गया था। इसमें विवाद सुलझाने के उद्देश्य से शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष थानेश्वर महावर पहुंचे, परंतु इसी बीच विवाद बढ़ गया और धक्का मुक्की होने लगी, जिसमें बीच बचाव करने में महावर जी गिर कर अचेत हो गए, जिससे उनके सिर पर चोट आई। इसमें दोनों पक्ष के लोगों को चोटें आई हैं, जिसमें शुभम पारेख और पिता सुरेश पारेख को चोटें आई, परंतु गोरखपुर थाना अंतर्गत रामपुर चौकी में गोरखपुर थाना प्रभारी सारिका पांडे द्वारा राजनीतिक दबाव एवं षड्यंत्र के कारण एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष थानेश्वर महावर इनके परिवार व लोगों के नाम पर FIR दर्ज कर ली गई एवं इनको जो चोटें आई हैं उन्हें किसी भी प्रकार की चिकित्सकीय जांच सही तरीके से नहीं की गई और न ही इनके ओर से सुरेश एवं शुभम पारेख व साथियों पर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे शिव सैनिकों में आक्रोश व्याप्त हो गया कि पुलिस प्रशासन की कार्रवाई संदेह के घेरे में आ रही है, जहां एक तरफा कार्यवाही राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। शिव सैनिकों ने मांग की है कि झूठे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने के लिए कमेटी गठित की जाए एवं निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाया जाए। वहीं न्याय न मिलने पर प्रदेश स्तर पर आंदोलन प्रदर्शन करने स्वतंत्र हैं। ज्ञापन सौंपने वालों में पंडित कन्हैया तिवारी प्रदेश प्रवक्ता, शैलेंद्र बारी जिला अध्यक्ष, तरुण महावर, रोशन आनंद, अमरदेव यादव, सुनील लोधी, राकेश यादव, शशि सिंह रोरे, मनोज नेताम इत्यादि शिव सैनिक उपस्थित थे। पर कुछ दो पक्षों का आपस में विवाद हो गया था, तो विवाद के चलते थानेश्वर महावर जी विवाद को सुलझाने के लिए तो उन्होंने आपस में धुआं धक्की की, जो कि धक्का मुक्की में उनको भी धक्का लगा महावर जी को और ये वहाँ पर जो अवस्था में आ गए और उन दोनों जो पक्षों में जो विवाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उससे उन लोगों में मारापीट हुई और उनके सिर से चोटें आई और गिरने के कारण हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष महावर जी हैं उनके भी सिर और छाती में गंभीर चोटें आई, परंतु इसके बाद भी जब वो रिपोर्ट कराने के लिए पहुंचे, जब पुलिस के पंजाब में मामला आया तो पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए राजनीतिक दबाव में झूठी रिपोर्ट तैयार करी और उस प्रकरण में 307 लगा करके अमर शिवसेना के माननीय प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार किया, जिससे कि उनकी छवि धूमिल हो गई। अब हमारा सीधा कहना यह है कि प्रकरण की पूरी निष्पक्ष जाँच करे, पुलिस प्रशासन में आखिर किसके कहने पर या किसके दबाव पर हमारे महावर जी के पक्ष में प्रकरण दर्ज किया, उस विषय को लेकर के हमने आज एक ज्ञापन मांग की पूर्व अध्यक्ष महोदय के नाम से DSP गोरखपुर आलोक शर्मा जी को सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग करी है कि उपरोक्त घटना की पूरी जांच करने के लिए एक कमेटी गठित की जाए, वो कमेटी घटना की जांच करे और उसमें उनके और उनके परिवार के ऊपर जो यह झूठे आरोप लगाए गए हैं, जिसमें उनके भाई साहब गुरुदयाल जी का भी नाम आया है और पूर्ण रूप से असत्य है, किसी को उस समय रामलला मंदिर के पास दर्शन करके लौट रहे थे, तो ये पूरा एक जांच का विषय है और हमने मांग करी कि उसमें जांच की जाए और हमें न्याय दिया जाए, अन्यथा हम पूरे मध्य प्रदेश में शिवसेना जो है उसको आंदोलन करने के लिए तैयार है। जो विवाद उन लोगों का चल रहा था उसमें सुरेश पारिक और शुभम पारिक करके हैं, उसमें से अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि शुभम पारिक को चोट लगी है और वो आदित्य हॉस्पिटल में भर्ती है। अब ये जांच का विषय है कि चोट कितनी गंभीर है और है अथवा नहीं है, परंतु जो धारा का उपयोग पुलिस प्रशासन द्वारा जिस भी दबाव में किया गया है वह पूर्ण रूप से जो है वह अस्वीकार्य है हम लोगों को, और क्योंकि ये प्रदेश अध्यक्ष के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार पुलिस प्रशासन द्वारा वो हम लोगों को अक्षम्य लग रहा है और यदि हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग सड़क को उतरने के लिए कुछ नहीं करने का तैयार है। कन्हैया तिवारी प्रदेश प्रवक्ता, जो आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर जो व्यक्ति पर जो आरोप लग रहे हैं तो कितना सच्चाई है और आज इस तरीके से देखिए क्या है, दरअसल ये आरोप पूर्णतः बेबुनियाद है और ये आप भी जानते हैं कि सत्ता और सत्ता का दबाव क्या होता है और उस दबाव में पुलिस कैसे कार्रवाई करती है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने कल और आज प्रत्यक्ष दिख रहा है। सर्वप्रथम घटना ये है कि जहां पर हमारे प्रदेश प्रमुख माननीय थानेश्वर महावर जी रामपुर में निवास करते हैं वहां दो पक्षों में कुछ विवाद हो रहा था,
उस विवाद की जानकारी लगती थी, ये उस विवाद को सुलझाने के उद्देश्य से वहां गए, उन लोगों में धक्का मुक्की हुई और एक धक्का जो है महावर जी को लगा और वो गिरे हो बेहोशी की स्थिति में आ गए। उस बीच उन लोगों में क्या लड़ाई झगड़ा हुआ पता नहीं। उसके बाद एक पक्ष जो है जब ये देखा कि इनको लग गई है तो वो वहां से भाग गया। उसके बाद पुलिस में जब रिपोर्ट करने हमारे यहां से पहुंचे तो उल्टा कार्रवाई जो है वो केंद्रित कर दी गई हमारे प्रदेश प्रमुख थाड़ेश्वर महावर जी की ओर, और झूठा उनका और उनके परिवार का नाम और उनके साथियों का नाम इसमें डाला गया जो कि पूर्णतः असत्य है। हम लोगों ने इसी विषय को लेकर के अभी महोदय एसपी महोदय के नाम से ज्ञापन सीएसपी गोरखपुर आलोक शर्मा जी को दिया है कि उपरोक्त प्रकरण की जांच की जाए और इसके लिए समिति गठित की जाए, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। हमारे शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष पर उंगली उठी है और यदि हमें उसके लिए न्याय प्राप्त नहीं होगा तो हम उसको न्याय प्राप्त करने के लिए सड़क पर उतरेंगे और हमें जिस भी स्तर तक जाना पड़ेगा हम उसके लिए जाने के लिए तैयार हैं। आपके ऊपर जो आरोप लगा है जो कितनी सत्यता आपको नजर आ रही है या नहीं? देखिए क्या है दरअसल, जब मैं बार बार कह रहा हूँ कि लड़ाई दो पक्षों में हुई है, जब दो पक्ष में लड़ाई हुई है तो स्वाभाविक है कि दोनों पक्षों की FIR लिखी जानी चाहिए। महावर जी के भी गिरने के समय सिर पर चोटें आई, छाती पर चोटें आई, मेरे पास मोबाइल में है, मैं आपको भेज दूंगा फोटो। तो उनके द्वारा जो रिपोर्ट लिखवाई जा रही थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मैं न्यायालय की बात कर रहा हूँ, न्यायालय में खड़ा हूँ, न्यायालय में जो कानून में लिखा हुआ है कि दो जन का विवाद हो रहा है तो रिपोर्ट दोनों की लिखी जाए, भले ही किसी को ज्यादा लगी हो या किसी को कम लगी हो, लेकिन विवाद तो दो लोगों में हुआ है, ये तो सीधा स्पष्ट है। और ये तो सुलझाने गए थे, ये विवाद करने नहीं गए थे। तो पूरा मुद्दा ला करके इनकी ओर केंद्रित कर दिया गया जो कि पूर्णतः राजनीतिक दबाव में झूठी कार्रवाई की गई है और हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और हमारा सीधा कहना यह है कि जो चोट उनको लगी है आपने उनके तो सिटी स्कैन करा लिया, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हुए, और प्राइवेट में भर्ती हो क्या मान्यता है? अगर वो अपनी सेटिंग से डॉक्टर से लिखवा ले कि मुझे ग्रेजुएट इंजरी है तो क्या वो मान्य है? हम सरकार के पास आ रहे हैं, सरकारी अस्पताल में मुआवजा करा रहे हैं, तो क्या हमें भी प्राइवेट में जाना चाहिए? क्या हमको क्यों नहीं भेजा गया पुलिस प्रशासन के द्वारा? ये सब एक जांच का विषय है कि यदि ऐसा है तो भाई जांच तो इनकी भी होनी चाहिए, सिटी स्कैन हमारे महावर जी का भी होना चाहिए, सिर में लगा MRI होनी चाहिए कि भाई जो चोट है गंभीर है कि नहीं। ये आप भी जानते हैं ये जो चोट सिर में लगती है वो कुछ दिनों बाद अपना असर दिखाती है। यदि कल को इनके साथ कुछ जान माल की हानि हुई तो क्या पुलिस प्रशासन जवाबदार होगा कि नहीं होगा? या जिसने ये रिपोर्ट लिखाई है क्या उसके विरुद्ध कार्रवाई पुलिस करेगी कि नहीं करेगी? ये सब जो है बहुत गंभीर मुद्दे हैं। इन गंभीर मुद्दों के ऊपर क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो पूर्ण तरह से निरंकुश हो चुकी है, इसलिए उसके द्वारा यह दबाव में करवाई जा रही पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई है जिसको कि हम अस्वीकार करते हैं। और ये जांच का विषय है और जो परिवार को फंसाया जा रहा है, आप स्वयं जानते हैं पिछले कोरोना काल में महावर जी ने कितनी समाज सेवा की है, उससे प्रताड़ित होकर के उससे परेशान होकर के वो खुद तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रकार के कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये रामपुर के जबलपुर रामपुर की घटना है, यहाँ पर महावर जी निवास करते हैं। कन्हैया तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता शिवसेना। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।